सर्व शिक्षा अभियान के तहत समग्र शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद द्वारा किया गया। गोरखपुर के NISC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक विवेक जायसवाल, मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक दीपक पटेल, मंडलीय DC शिखा सिंह, DC निर्माण रमेश चंद्र, DC प्रशिक्षण KD मिश्रा, DC कम्युनिटी राजेश मिश्रा सहित बेसिक शिक्षा विभाग के सभी समन्वयक मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कायाकल्प योजना, प्रेरणा पोर्टल, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित विभिन्न निर्माण कार्यों तथा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इसके तहत महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने कायाकल्प के अंतर्गत निर्मित किए गए 6 डेटा कैप्चर फॉर्मेट की फीडिंग पूरी नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच, कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूलों के कायाकल्प किए जाने सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसी को कोई समस्या बतानी हो उसे बाद एक एक मिनट में जाएगी। जिले से कार्यालयों से पत्रावलियां लीक जो होती है मीडिया में, रिकॉर्डिंग लीक होती है, यकीन मानिए मैं साइबर सेल में, मेरा बैचमेट ही है, पता करा लूंगा। मैं जानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं इसको। परिवार को धोखा देना, अपने पीठ पे चूरा थोपना, ये व्यवस्था सही होनी चाहिए ना। कि अमित राय ने हिमांशु को बता दिया, हिमांशु को वो बताएगा या कि इसके बारे में बताएगी, इस तरह तो उसी की जिम्मेदारी है ना। तो कम से कम टालने की बात ना करें ना, इसकी आदत है उसकी, अमित राय की। हाँ बताए जी, पढ़ाओ सर। हाँ डिसिप्लिन कर रहा है। जबकि सीडीओ साहब से बात करो, मेरे कह देना की मैंने कहा है की RES के और MI के हर ब्लॉक में होते हैं, वो इसमें सक्षम होते हैं, उनको पता नहीं होता है। नरेगा का SOR जो होता है वो अलग होता है PWD के SOR से, तो PWD के लोगों को नरेगा का SOR नहीं पता होगा, ठीक है। नरेगा का SOR में दिन में 1 कंप्यूटर और 1.5 कंप्यूटर महिलाओं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 1 कंप्यूटर का होता है, उसी के आधार पर मल्टीप्लायर होता है। तो उसको PWD का जेई को नहीं पता होता, वो उसको उलझा देगा, उसको सीखना पड़ेगा उसे ना। इसीलिए RES और MI और हमारे जो नरेगा के TA हैं हर ब्लॉक में कम से कम 5-10 हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा हैं, तो वो लोग सलाह लें सर, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और योजनाएं साथ साथ ऐसा परिणाम दे रहे हैं, ऐसा माहौल कब देखने को मिलेगा। हर बार ऐसे जैसे काम एक बोझ है, कोई योजनाएं विफल होने की भावना से बात कर रहे हैं। कोई ट्रांसफर का अनुरोध कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं है तो हटिए ना, कौन मना कर रहा है, कोई कमी नहीं है मार्केट में, कोई सरकार में रहे आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे सरकार जी सर। स्वतंत्र सर्वे भी हमें मिल जाए, सितंबर में तीसरा सर्वे होगा, उसे धर्म मिलेगा। ऐसी आंटी कोई इन दिन बीजेपी मीटिंग ये नहीं है कि देखो लोग उससे किसी का किसी भी बात नहीं है का सीधे बना कर ये नहीं है ठीक है, उसको जब चाहे भेज दे, वो भी इंसान है, उसको भी काम करना पड़ता है ना। तो आप बीओ की मॉनिटरिंग करिए, बीओ से सारे स्कूलों की सूचना बनवाने का अत्याधिक करिए, ये सोच में परिवर्तन आना है और इसमें मेन भूमिका DC को बनना है।
इसी को निभाना है अपनी भूमिका, कि पूरे विभाग को उस ओर लेके जाना है, डेटा ड्रिवन विभाग होना है। अभी छेद आसान डीसीएफ भेजा गया था, क्या हमारे पीओ को ये भी नहीं पता है कि कितने एरिया है, विद्युत संयोजन की स्थिति क्या है, और ये छेद डीसीएफ बनने में दो दो तीन तीन महीने लग रहे हैं, बीएसए को, बीडीओ को, बीओ को और एसी को, कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को नहीं पड़ता है।